कि पल्लवी झा मेरे सहयोगी जो हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती भी हैं। पल्लवी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस बात की चर्चा इस वक्त हो रही है और शुरुआत में हम लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे थे, तो देखिए आज जब मंच पर अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तो ये तो जरूर कहेंगे कि ईमानदारी की जिस छवि को डेंट लगा है उसको सुधारने का अब ये प्रयास है और जनता इसका जवाब उनको देगी। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा दाव जरूर चलेंगे जिससे कि राजनीतिक खलबली दिखाई पड़ेगी, और वो दिख भी रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल कर लिए, उसके बाद से पार्टी के भीतर के बाहर तमाम जगहों पर अब इसके विश्लेषण को देखा जाएगा। सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने वो नब्ज दबा दी है जिससे कि विपक्ष के अंदर भी खलबली होगी? ये प्री प्लान था, पहले से ये सोचा गया था कि जिस तरीके की तलखी बीजेपी और RSS के बीच में दिखती है, सुगबुगाहट जिस तरीके की रहती है, वो नब्ज दबा दो जिससे कि जनता में भी असर हो और पार्टी विपक्ष पर भी असर हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स की असलियत यही रही है कि वो हमेशा वही बात कहते हैं जिसको जनता भी पूछना चाहती है, जनता भी जानना चाहती है किस प्रकार से मोदी जी ने 75 साल का रूल लगा करके जोशी जी हों, आडवाणी जी हों, सबको रिटायर करा दिया, तो जब इनके ऊपर अप्लाई करने को तक बोलते हैं हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो आज मोहन भागवत जी ये बताएं देश को कि जी ये कैसा नियम है कि बाकी सीनियर नेताओं को आपने रिटायर करवा दिया इस रूल को लगा करके, मोदी जी कहते हैं हम पर अप्लाई नहीं होता। ये क्या कारण है? आपने पैदा किया बीजेपी को, RSS मांस मान है बीजेपी के लिए, और मांस मान को ही आंख दिखाया गया भाजपा के द्वारा। नड्डा जी ने कहा कि RSS जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो सोमनाथ जी, ये आपका ट्रंप कार्ड ही है ना कि देखिए ऐसा कार्ड फेंको कि इमोशनल के साथ साथ राजनीतिक भी हो जाए? देखिए, ट्रंप कार्ड कह दें या असली सवाल कह दें, वो सवाल चूंकि ना तो केजरीवाल जी की जिंदगी नकली रही है ना इनके सवाल नकली रहे हैं, अंदर से जो हैं वही बाहर दिखाते हैं ये। तो ये सवाल भारतवर्ष में हर व्यक्ति का है कि किस प्रकार से EDCBI और धन का बल उपयोग करके इन्होंने पार्टियां तोड़ी, MLA खरीदे, MP खरीदे, सरकारें गिराई, तो क्या इस प्रकार की नीतियों से क्या इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है RSS वो भी राजी है? क्या RSS इस बात से राजी है कि भाई एक शिक्षा मंत्री को जेल में रख दो 17 महीने के लिए, 2 साल के लिए, मुख्यमंत्री को बगैर प्रमाण का बगैर सबूत का जेल में रख दो? तो क्या देश से अगर आप प्यार करते हो तो भाजपा के इस नीति को तो बताना पड़ेगा जनता को। सवाल तो ये भी उठ रहा है, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि आप वो राजनीति कर रहे हैं जो एक वक्त में जो अंग्रेज थे, डिवाइड एंड रूल, और जो डिवाइड और रूल में पास हो गया वो रूलर हो गया। डिवाइड एंड रूल की मास्टरी और PhD तो मोदी जी के पास है। जिस व्यक्ति ने पूरे देश को हिंदू और हिंदू मुसलमान में बांट के रखने का प्रयत्न किया हो और जिसका इनको जवाब भी मिल गया हो, 240 ही आए ना। आज देखिए 70 में से 62 सीट लाने वाला मुख्यमंत्री ने 1 सेकंड नहीं लिया इस्तीफा देने में, वही माने मोदी जी को मेजोरिटी नहीं मिली। 543 में से इनको 272 कम से कम आना चाहिए था, इनको आया 240, लेकिन प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे चाहे हमको भीख मांगना पड़े। आज नीतीश कुमार जी और नायडू जी की बैसाखी के जरिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो सत्ता को मोह किसका है, किसको है? मोदी जी को है, केजरीवाल जी को है? तो आज भाजपा अपने गिरवान में झांक के देखे कि सत्ता के लिए कुछ भी करने वाला पार्टी भाजपा और माननीय मोदी जी, आज वो जनता का जवाब दें। केजरीवाल जी ने तो मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी ला करके भी 1 सेकंड नहीं लगाया इस्तीफा देने में। इस बार मोदी जी को ना डायरेक्ट हिट करके उनके जड़ को हिट किया है केजरीवाल जी ने। लेकिन एक चीज और पूछूंगी कि पूरे भाषण में उन्होंने एक और बात कही कि अब मैं आपके बीच में आकर रहूंगा, क्या ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जो झुग्गी झोपड़ी के में रह रहे लोग हैं उनके यहाँ पर आशियाना बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये तो उनका शरीर है, उनका मन, उनका दिल तो ऑलरेडी सबके पास है। पूरे देश में और दिल्ली में रह रहा हर व्यक्ति उनके इस दिल को, उनके इस मन को समझता है। मुझे इस बात को कहने में कतई परहेज नहीं है कि केजरीवाल जी एक लौते व्यक्ति हैं इस देश में जिन्होंने जनमानस को के हर दुख को समझा है, हर जरूरत को समझा है, इसलिए आज वो घर घर के हो गए हैं। लेकिन सोमनाथ जी, आज जिस तरीके से वार हुआ है इसको आगे किस तरीके से टेक ओवर करेंगे, क्योंकि हरियाणा के चुनाव तो अब बिल्कुल नजदीक आ गया। दिल्ली में जिस तरीके से आप लोग एक के बाद एक हमला करते हुए नजर आ रहे, खास करके फ्रंट फुट पे अरविंद केजरीवाल अब दिखने लगे हैं, आगे की रणनीति क्या होने जा रही है? अगर आप देखें पिछले जमानों में कांग्रेस और बीजेपी में दोस्ताना रणनीति होती थी,
कि भाई तुम वो सारे सवाल मत करना जिससे हमको तकलीफ पहुंचे, तुम वो सवाल मत करना जिसको हमको तकलीफ पहुंचे। लेकिन इसको ट्रेंड को किसने तोड़ा? केजरीवाल जी ने तोड़ा। अगर इसके केजरीवाल जी के पहले कभी भी प्रमुख नेताओं के सामने अच्छे कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे ये लोग, केजरीवाल जी ने उसको तोड़ा, हेड ऑन लिया शीला दीक्षित जी को, हेड ऑन लिया मोदी जी को। मुझे लग रहा है कि उसी राजनीति के तहत केजरीवाल जी ने मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आज बीजेपी को पूछे, आरएसएस को पूछा है। इन सवालों के बाद भाजपा तो पहले भी सवाल था लेकिन इस बार सवाल कहीं और दागा है। मैं कह रहा हूँ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। जो फाउंटेन हेड है, हाँ। जहाँ इनकी आत्मा बस्ती है, जहाँ से पैदा हुए मानते हैं आपकी जहाँ आत्मा बस्ती है वहाँ पर आपने चोट किया है। बिल्कुल किया है और करना भी चाहिए क्योंकि सवाल। बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, मेरे साथ पल्लवी इस खबर पर जुड़े थे।